टुडेज वीडियो और आज आपको दिखाया जाएगा सिल्वर माला का कलेक्शन। जो सिल्वर की जो माला होती है उसका कलेक्शन आपको दिखाया जाएगा कि सिल्वर की मालाएं किस किस टाइप की होती है, कैसी होती है, मैंने कहाँ से बनवाई, कहाँ पे मैं कैसे पहनती हूँ, किसके साथ पहन सकते हैं। तो आज आपको सिल्वर माला का कलेक्शन दिखाया जाएगा जो कि दो चार ही है होने को, तो पर मैं आपको सिल्वर माला का कलेक्शन दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे नीचे वाले कलेक्शन की। जो कि ये देखिए आप, सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाली माला की। ये देखो ये वाली माला, ये लेयर्ड माला है। एक दो तीन चार पाँच छः, छः लेयर है इसमें और ये लेयर वाली माला है। देखो ये लेयर वाली माला है और ये पहनने के बाद जो अच्छी लगती है ना, साड़ी पे, सूट पे, किसी पे भी इतनी सुंदर लगती है ये पहनने के बाद। स्पेशली इसमें पार्ट लगे हुए हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखो ये लेयर माला है, इसमें इधर हुक लगा हुआ है। ये देखो हुक लगा हुआ है, इधर भी हुक लगा हुआ है। मोड़ लेंगे इसको और ऐसे पहनेंगे। आप साड़ी पे, लहंगे पे, ट्रेडिशनल टॉप पे, जैसे भी आपको पहनना चाहे वेस्टर्न के साथ, आप इसको पहन सकते हैं। इसमें पर्ल लगे हुए हैं छोटे छोटे जो कि रियल पर्ल हैं और ये बहुत ही सुंदर लगती है। गोल्ड पॉलिश इस पर मैंने करवा रखी है और ये एकदम डिसेंट लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। और ये तो है माला और ये भी सेम वैसी ही माला है। पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने एक और ऐसी बनवा ली। ये सिल्वर में है गाइस, गोल्ड में नहीं है। इसको गोल्ड समझने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें, ये सब सिल्वर के हैं, चांदी के हैं मतलब। और ये देखो एक माला मैंने और बनवा ली जो कि इतनी क्यूट अच्छी लगती है, इतनी प्यारी लगती है, बहुत ही प्यारी लगा हुआ है। और इसमें सिक्स लेयर है ना, इसमें सेवन्थ लेयर है, सात लेयर है इसमें। और ये इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है पहनने के बाद कि आप सोच नहीं सकते। मतलब इतना अच्छा लुक आता है गला भर के और इतना प्यारा लुक आता है इसको पहनने के बाद, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसको पहनने के बाद। तो मतलब आपको पहनने के बाद कुछ नेकलेस, चौकर वोकर ये सब पहनने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं होती। और आप टॉपर पे, गाउन पे भी ये बहुत ही डिसेंट लगती है पहनने के बाद, बहुत ही अच्छी लगती है। तो एक बार एक मेरी माला बहुत अच्छे से देख सकते हैं इसका। ये आप इसको ट्विस्ट करके भी पहन सकते हैं, इसको रोल करके ट्विस्ट करके भी पहन सकते हैं। ये देखो ट्विस्ट करने के बाद भी ये बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये गले में एक्चुअली पहनने के बाद पता चलेगा आपको, ये ट्विस्ट करने के बाद भी बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक इसके भी मैंने गोल्ड पॉलिश करवा रखी है। ट्विस्ट करके दिखाऊं मैं आपको, ये देखो ट्विस्ट करने के बाद भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखो ये देखो बहुत ही प्यारी, ये डिसेंट लगती है क्योंकि इसमें पर्ल की जो क्वालिटी है ना बहुत अच्छी है और वो एक अलग ही लुक लेके आता है पर्ल। तो सब तो ये माला मुझे पड़ी थी 600 या 700 रुपए की पड़ी थी गाइज, एक्चुअली जब मैंने बनवाई थी कोविड टाइम में मैंने बनवाई थी ये, और ये 600-700 रुपए की मुझे पड़ी थी। तो और ये मुझे इतना अच्छा ऑप्शन लगता है किसी को गिफ्ट करने में भी, दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा है, आपके बजट में भी है और सामने वाला अच्छे से यूज करेगा, तो ये बहुत अच्छी है। और ये ऐसी माला आप किसी को भी दिखा सकते हैं, ले जाइए, कोई भी ज्वेलर आपको बना के दे देगा। और इसके पॉलिश करवानी पड़ती है, पर देखो बहुत ही डिसेंट माला है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इस वाली माला की, ये भी बहुत अच्छी माला है। और ये देखो इसको मैंने पीछे डोरी लगा रखी है क्योंकि फिर लटक लटक के भागती थी, इसलिए मैंने इसके डोरी लगवा ली। और ये देखो ये भी, इसको भी मैंने पॉलिश करवा रखा है। और ये देखो यहाँ तक, ये इसमें यहाँ तक है, ये डोरी का पार्ट अलग है, ये इसमें यहाँ तक है और ये डोरी का पार्ट अलग है। और इसमें सिल्वर के मोती लगे हुए हैं, काफ़ी हैवी है ये वजन में, और इसमें सिल्वर के मोती लगे हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छा लुक देते हैं पहनने के बाद। मैं पहन के दिखा देती हूँ आप लोगों को। वैसे मैंने कुर्ता ही वैसा पहना हुआ है कि इनका लुक दिखने वाला ही नहीं है। इतना अच्छा लुक आता है इसको पहनने के बाद। और ये भी आप गाउन वाउन पे सब टाइप से पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छी माला है। आप, मैं पास से भी दिखा देती हूँ आपको, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही डिसेंट लगती है ये। नेक्स्ट बात करेंगे हम हमारी ये वाली माला की। ये भी सिल्वर में है पर इसमें पर्ल लगे हुए हैं पूरे में, अंदर तार है सिल्वर का और पर्ल लगे हुए हैं। और ये पर्ल की माला है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, एक्चुअली पर्ल की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक ये भी
पता नहीं कितने की आई थी, मुझे याद ही नहीं है। ये भी 600-700 की मुझे पड़ी थी, ये मैंने जयपुर से ही ली थी जौहरी बाजार से, और ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे। नेक्स्ट बात करेंगे हम हमारे इस वाली माला की, जिसमें पेंडेंट लगा हुआ है पर्ल का, ये सिल्वर का ही है, पूरी माला पर्ल में है और इसके साथ दो इयररिंग्स भी हैं। तो आप देख सकते हैं पर्ल का सिल्वर के पेंडेंट लगे हुए हैं और पूरी माला पर्ल में बनी हुई है, और ये भी बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद। इसको खोल के पहन के दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो बहुत अच्छी लगती है पहनने में। तो गाइस ये था मेरा माला का, माला इतनी होती है, माला इससे ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि माला कितने की यूज़ होती है। तो ये देखो कितनी सुंदर, मतलब। और गाइस मैं आपको ज्वेलरी शॉप का टूर कराने वाली हूँ जल्दी ही, जैसे ही मुझे मौका मिला मैं जाऊँगी ज्वेलरी शॉप पे और आपको जल्दी ही टूर देने वाली हूँ। अगर आपको देखनी है शॉप तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें अच्छे अच्छे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आल्सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियोस देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ 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 वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, बहुत सारा प्यार दें वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।